हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब इनडिजाइन CS5 में न्यू विंडो के बारे में जानेंगे, जिसके लिए आप मेन्यू बार से विंडो मेन्यू पर क्लिक करेंगे। देन आप यहां पर अरेंज ऑप्शन से न्यू विंडो को सेलेक्ट करेंगे तो ये सेम डॉक्यूमेंट की एक और विंडो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर एक ही विंडो रहने देते हैं और अब आप यहाँ पर जिस भी डॉक्यूमेंट में वर्क करना चाहते हैं, सिंपली आप उस पर क्लिक करके जो भी काम करना चाहते हैं या जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो अब आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आप यहाँ पर इस बात का और ध्यान देंगे कि अगर आप यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करते हैं, अब सपोज हम यहाँ पर अपने इस वाले डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस आपके सेकेंड वाले डॉक्यूमेंट में भी अफेक्ट होंगे। अब सपोज हम यहाँ पर इस लोगो के बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, पहले हम इस पर क्लिक करते हैं, देन राइट हैंड साइड में पैनल से कलर पैनल को ओपन करते हैं और यहाँ से इसके कलर को चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं तो न्यू विंडो में भी वो चेंजेस अफेक्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है यही कलर रहने देते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर अपनी इस वाली विंडो में लोगो की पोजीशन को चेंज करते हैं, पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन शिफ्ट प्रेस करके लोगो को सेलेक्ट करते हैं और अब हम यहाँ पर इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे हम इसकी पोजीशन को यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो आपकी इस वाली विंडो में भी वो चेंजेस अफेक्ट होंगे, आपने देखा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर मैगजीन को थोड़ा सा राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो आप देखेंगे इसने जो है इस वाली विंडो में भी इस वाले टेक्स्ट को राइट हैंड साइड में मूव कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है विंडो मेन्यू में जाकर न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं और अगर आप एक विंडो में कोई भी चेंजेस करेंगे वही सेम चेंजेस आपकी दूसरी विंडो पर भी अफेक्ट होंगे। थैंक यू।